हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स विद मी आस्था शर्मा। 21 फरवरी 2021 की खबरें हैं कि नोवाक जोकोविक ने डिफीट किया है मेडवेदेव को टू विन हिज 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। सो दिस इज ऑल्सो द 18th ग्रैंड स्लैम विन फॉर नोवाक जोकोविक, जस्ट 2 बिहाइंड फ्रॉम राफेल नडाल एंड रॉजर फेडरर। सेकेंड न्यूज इज दैट उत्तराखंड ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। सो द ऑर्डिनेंस बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू वुमेन हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू सस्टेन देमसेल्व्स। थर्ड न्यूज इज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड की पावर प्रोजेक्ट इन केरला। सो मोदी जी हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ पावर एंड अर्बन सेक्टर इन केरला। Fourth news is that Union Minister Nitin Gadkari has launched Go Electric campaign to boost electric mobility across the country. So Go Electric campaign is the future of India, which will help in promoting environmental friendly, cost effective and indigenous electric products. Aur aaj ki aakhri khabar hai ki Hyderabad becomes only city to be recognized as 2020 Tree City of the World. So Hyderabad has been chosen as Tree City of the World for its commitment towards maintaining and growing the urban forest. So that was all for the news today for 21st February. Stay tuned. Until then, this is Aastha Sharma signing off. Keep studying, keep revising, keep practicing hard. Thank you so much, everyone.